प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने को अभियान की तरह बना दिया है। इसलिए दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में लगातार 2 दिनों तक महामंथन हुआ। कार्यक्रम का नाम रखा गया कृषि किसानों की आय दुगनी करना। जैसा कि आप यहां पे मीडिया रिपोर्ट सुन रहे हैं कि किसानों की आय दुगुनी करने के लिए महामंथन रखा गया है दिल्ली में, ठीक है, पूरी जानकारी देखिए, 100% गारंटी ले रहा हूं। अगर मैं आज 1% भी गलत साबित हुआ, आज के बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। जो आपको जानकारी दे रहे हैं ना, सुनिए, बड़े न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं, क्या बोल रही है मैडम, सुनिए पूरी जानकारी, प्ले कर रहा हूं, ठीक है, सुनिए। महामंथन में किसान कल्याण से संबंधित लगभग सरकार पहले किसान को 2,000 रुपया देते थे और अभी 4,000 रुपया देते हैं। साल हूँ, पहले 2,000 देता था मोदी, अभी 4,000 मिलता है। यहाँ पे आप सुन रहे हैं, आगे सुनिए। जितनी जमीन है सब हम करते हैं, हमारा जमीन है, पहले हमको 2,000 देते थे मोदी, अभी हमको 4,000। पहले मोदी दे रहे थे 2,000 रुपये, ठीक है, अभी इनके खाते में आ रहे हैं 4,000 रुपये, जैसा कि आपने सुना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दें, बड़े बड़े मीडिया वाले यही चीज़ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, वीडियो जो है उसमें टाइटल देखिए, 4,000 रुपये की 19वीं किस्त, ठीक है, 4,000 रुपये की 19वीं किस्त की गारंटी किसानों के बैंक खाते में होगी जारी, ठीक है। यहाँ पे जिसका इंतजार किसान कर रहे थे काफ़ी बेसरी बिजली से, वही दिन आ चुका है। यहाँ पे हम पूरी जानकारी बताते हैं, सुनिए। डायरेक्ट मैंने गूगल सर्च किया है, यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, क्लियरली लिखा हुआ है कि गुड न्यूज़, किसानों के खाते में 4,000 रुपये की मिल चुकी है मंजूरी, 4,000 रुपये पाने के लिए आखिरी मौका, यहाँ से अप्लाई करें, जाने पूरी प्रक्रिया, ठीक है। और यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, खाद के लिए भी 5,000 रुपये आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए एमपी ब्रेकिंग न्यूज़, पीएम किसान 19वीं इंस्टॉलमेंट, किसान को फटाफट कर ले यह 4 काम, किसानों को अब 19वीं किस्त के 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या गारंटी दूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्लियरली बोला जा रहा है, चलिए हम एक मीडिया रिपोर्ट को क्लिक कर रहे हैं, क्लियरली लिखा हुआ है कि गुड न्यूज़ यानी खुशखबरी, किसानों के खाते में 4,000 रुपये आएंगे फटाफट, यहाँ से अप्लाई करें इस स्कीम के बारे में और जानें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपये पाने का, 4,000 रुपये मिल रहा है दोस्तों, आपको क्या लग रहा है 4,000 रुपये मिल रहा है? पीएम मोदी ने क्लियरली कहा है कि ये जो राशि है आपके बैंक खाते में कैसे मिलेगा, पूरा पीएम मोदी का हम लाइव संबोधन सुनाने वाले हैं। लेकिन हम मानते हैं कि झूठी अफवाह भी फैलाया जाता है मीडिया पे, ठीक है, कि हाँ भैया दीपावली पे मिल जाएगा, दुर्गा पूजा पे मिल जाएगा, छठ में मिल जाएगा, ठेंगा नहीं मिले। यहाँ पे जो जेन्युइन जानकारी है वो समझिए, अगर पीएम मोदी को दिवाली पे भेजना होता तो वो 5 अक्टूबर को क्यों राशि भेजे, दीपावली पे ही 18वीं किस्त जो आपको मिला वो 5 अक्टूबर को काहे भेजें, दीपावली पे ही भेजते ना। तो यहाँ पे त्यौहार कोई मायने नहीं रखता, ये बात समझ लीजिए। जो सरकार के द्वारा, सरकार अपना फायदा देखती है, अगर इलेक्शन होगा पैसा भेजेगा, कोई नई स्कीम आती है सरकार भेजती है, जो टाइमलाइन होता है जब ये इसका बजट पूरा होता है, जैसे ही नया अप्रूवल मिलता है बजट के लिए, किसान बजट के लिए, तब ये सरकार ये राशि भेज देता है, इसको भी समझ लीजिए ना। इसलिए पीएम मोदी ने क्लियरली अब ऐलान किया है, 4,000 रुपये पाने के लिए जो है अप्लाई आवेदन जो है वो शुरू कर दिया गया है, और साथ में जो है खाद बीज के लिए भी 5,000 रुपये अलग से भेजे जाएंगे, ठीक है। इस जो आय दुगुनी करने के लिए अभियान की तरह सरकार के द्वारा बनाया गया, मैंने आपको मीडिया रिपोर्ट दिखाया इसका, यहाँ पे देखिए फिर से मैं इस मीडिया रिपोर्ट को सुना रहा हूँ, सुनिए क्या बोल रही है मैडम। का नाम रखा गया कृषि किसानों की आय दुगुनी करना। इस महामंथन में किसान कल्याण से संबंधित लगभग सरकार पहले किसान को 2,000 रुपया देते थे और अभी 4,000 रुपया देते हैं। साल हूँ, पहले 2,000 देता था मोदी, अभी 4,000 मिलता है। यहाँ पे उंगली दिखा के जो है किसान बोल रहे हैं कि किसान पहले सिर्फ 2,000 रुपये ही देता था, यानी 18वीं किस्त तक जो है सिर्फ इनको 2,000 रुपये ही मिला, लेकिन अब जो है इनके खाते में 4,000 रुपये मिल रहा है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आज किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपये, जिन किसानों ने आवेदन कर रखा है उन किसानों को 4,000 रुपये मिल रहा है। आखिर कौन है वो आवेदन, कौन सा है वो आवेदन, ये भी समझ लीजिए। चूंकि यहाँ पे पीएम मोदी ने क्लियरली कहा था स्टार्टिंग में कि जिन किसानों ने EKYC और भूमि का सत्यापन करवा रखा है उन किसानों के बैंक खाते में ये राशि जो है 2,000 रुपये करके हर 4 महीने पर आएगी, ठीक है। अब जो है पीएम मोदी ने क्लियरली कहा है कि 19वीं किस्त जो है वो अब 4,000 रुपये की मिलने वाली है। अगर आपको पिछली बार 18वीं किस्त अगर मिला था 2,000 रुपये का, तो अब 4,000 रुपये अब आपको मिलने वाला है। कैसे, चलिए बता